जय माता दी जय माता दी जय माता दी। हेलो भैया, इस बार हम लोग विधानसभा 185 में राकेश सिंह का विरोध कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं, क्योंकि ये राकेश प्रताप सिंह हमको 3 जून 2020 को तो समझ लो मेरी हत्या करवा दिया था। अगर हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ ओनली आप लोगों की देन है, मेरी समाज की और मेरे यार दोस्तों की देन है, मेरे इस गरीब बच्चे बूढ़े बुजुर्गों की देन है। अगर हम बचे हैं तो आप लोग अगर रोड पर धरना न दिए होते तो हमारी हत्या करवा देता राकेश प्रताप सिंह। और आप लोग जान रहे हैं कि मैं कितना बड़ा हत्यारा हूं, वो हमको हत्यारा बता रहा है। हम खाली गांव के एक्टिव प्रधान हैं, हम वहां घुटना टेकने नहीं जाते हैं, उसी वजह से वो हमको परेशान करता है और इस तरह परेशान करता है कि हमारे ऊपर पहले आप जान लीजिए कि 2010 में मैंने एससी प्रधान बनाया था, 2015 में मेरी पत्नी प्रधान हुई, 2015 के पहले हमारे ऊपर खाली एक मुकदमा था, उसके बाद ये हमारे ऊपर 31 मुकदमे लादे जिसमें लूट, हत्या, आगजनी, 307, 308, 302, 304 कोई मुकदमा बाकी नहीं है। इस समय मेरी उम्र 32 साल है, मेरे ऊपर 32 मुकदमे हैं। वो किसी से कहा था कि परेशान मत होइए, जितनी इनकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा मुकदमा इनके ऊपर ला देंगे। तो आप लोग जान लीजिए कि हमें इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग समाजवादी हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन विधानसभा 185 में इनका खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा हूं, क्योंकि हमारी गरीब जनता को हमारे यहां से 10 ट्रैक्टर औरतें आई थी, जिसको सारे चाहे बुढ़ापा हो चाहे जवान औरतें हो, सबको दो दो चार चार डंडे सबको मरवाया था, इसको शर्म नहीं आई। आप जान लीजिए कि आप हमारे बड़े भाई, बूढ़ बुजुर्ग, माताएं बहने जितने हैं, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं कि अब की बार साइकिल कोर्ट मत देकर कांग्रेस को प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह पंजे पर वोट दे करके उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाओ। बाकी उसके बाद ये जानते हो इसके बारे में कि चाहे जो पद हो सारा का सारा पद इसी को चाहिए। इसके पांच बेटे हैं, इनके पांच बेटे हैं, इसी 5 साल में 5 बहू लाएगा तो इनको 10 पद और चाहिए। पद तो बढ़ेगा नहीं, 25 अगर इनका पद तो बढ़ेगा नहीं, यही जितना पद है उसी में से लेना चाहते हैं। और बाकी आप लोग जानते हैं कि हम कितना प्रताड़ित किए गए हैं, आप लोग चल के हमारे यहाँ देख लीजिए। बाकी सारे लोग जानते हैं कि हमारे 4 मकान में अभी भी ताला लगा है, सरकारी ताला यही लगवाया है, ना मेरे नाम मकान है ना कुछ। उसके बाद 4 मोटरसाइकिलें, 2 चार पहिया, 1 ट्रैक्टर, इतना प्रताड़ित किया कि भी सब सारी चीजें जेल में है। हम लोग अच्छा तो ठीक है भाई।